अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन में हमने कल डिवाइड किया था, डिविजन रूल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ये भी सेम डिवीजन पे ही है, डिवाइड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट हमें बता रहा है, टेन एक्स माइनस 25 सेम प्रोसीजर करना है जो हमने कल बताया था। और आप लोग की जो एक्सरसाइज 4 है उसमें एरर्स बताने हैं, वो आप खुद ट्राई कर लोगे, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन है, पिछले एक्सरसाइज हम लोगों ने किए हैं, सेम उसी में से वो क्वेश्चन निकल रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। एरर्स की बात जो है वो आप खुद ट्राई कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट है, हमें बताना है 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5। डिनोमिनेटर अलग करके लिखेंगे, 10x डिवाइड बाई 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 5। 2x माइनस 5 ये हमारा आंसर निकल के। और अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर लेंगे, 10x माइनस 25 5 से हमें करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 10, और x यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड x भी कर लेंगे, x 2 5 10 यहाँ पे माइनस 25। साथ में हम अब हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस 25 है, तो माइनस पे आएगा 5 में माइनस 25, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, तो हमारा क्वेश्चन जो है 2x माइनस 5 यहाँ भी सेम निकल के आया, यहाँ भी सेम निकल के आया। पार्ट नंबर 2 हम लिख लेंगे यहां पे, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। यहां पे हम लिख लेंगे इक्वल टू 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। यहां पे देखेंगे अगर कोई कॉमन निकल के आया, 10 में भी 5 है, 5 2 10, 25 में भी 5 है, 5 5 10, तो 5 कॉमन निकल के आएगा, 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कैंसल्स इक्वल टू 5, हमारा आंसर निकल के आएगा। और आप लिख सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 10x माइनस 25 2x माइनस 5 के साथ करना है। यहां पे जो हमें पहली टर्म है, उस पहली टर्म को हमें देखना, यहां पे भी है और यहां पे भी, सेकंड टर्म को देखने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे 10 है, यहां पे 2 है, तो 5 2 10 आ जाएगा। x यहां पे मौजूद है, यहां पे भी x का पावर सेम ही है, तो हम लिख लेंगे 5 2 10x माइनस 5 5 25, रिमाइंडर में 0 आएगा, क्वेश्चन हमारा 5 निकल के आया, आंसर सेम ही आएगा इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पार्ट नंबर 3 हम कर लेंगे, 10y 6y + 21 डिवाइड बाय 5 2y + 7। सेम प्रोसीजर यहां भी करना है, 10y 6y + 21 डिवाइड बाय 5 2y + 7।
इसमें से देखेंगे कि कोई कॉमन ना निकल के आए, टू थ्री जार सिक्स होता है, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन होता है, यहां पे भी थ्री है, यहां पे भी थ्री है, तो हम लिख लेंगे थ्री कॉमन, साथ में ही टेन वाई भी है, यहां पे जो रहेगा टू वाई प्लस सेवन, नीचे जो है फाइव टू वाई प्लस सेवन, फाइव टू जार टू वाई प्लस सेवन, टू वाई प्लस सेवन सेवन, यहां पर आएगा टू थ्री जार सिक्स फोर फाइव। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप सेम कर सकते हो, पहले इन लोगों की मल्टीप्लीकेशन कर लेना और उसके बाद डिवाइड, इसकी मल्टीप्लीकेशन करना डिवाइड इसी के साथ करना है। अब हम पार्ट नंबर फोर कर लेते हैं। पार्ट नंबर फाइव फोर क्योंकि इजी है आप खुद कर लेना। पार्ट नंबर फाइव में बताऊंगा नाइन टी सिक्स ए बी सी, थ्री ए माइनस ट्वेल्व इंटू फाइव बी माइनस थर्टी डिवाइड बाई वन फोर्टी फोर ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स, हमें आंसर बताना है इसका। तो हम लिखेंगे यहां पे नाइनटी सिक्स ए बी सी, क्योंकि ये पहले ही दिया गया है। यहां पे हम देखेंगे थ्री थ्री फोर जार थ्री कॉमन निकल के आ गया, थ्री ए माइनस, यहां पे हम देख लेंगे फाइव वन हजार फाइव सिक्स हजार, तो फाइव निकल के कॉमन निकल के आएगा, यहां पे आएगा बी माइनस सिक्स, डिवाइड में जो है हमारा वन फोर्टी फोर ए माइनस फोर इंटू बी माइनस सिक्स, बी माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स कैंसल, ए माइनस फोर ए माइनस फोर कैंसल, हमें बताना है यहां पे हम देख लेंगे फोर्टी एट टू जार फोर्टी एट थ्री जार थ्री वन हजार थ्री वन हजार, यहां पे हमारा जो निकल के आएगा फाइव बचता है ए बी सी, ये हमारा इंशाल्लाह कल हम इसी लेने से एक्सरसाइज कर लेंगे। यहां पे जो हमारा बचता है फाइव भी बचता है और टू भी बचता है, टू इंटू फाइव इक्वल टू टेन ए बी सी, इंशाल्लाह कल मिसी लीनियर एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू क्लास।